अभी जो प्राचीन मंदिर है उसमें आज भी मुस्लिम पक्ष से दावा करते हैं, तो कई बार मांग भी उठती है कि एक बड़ा मन करके मुस्लिम पक्षकारों बड़ा मन को छोड़ देना चाहिए, जो प्राचीन मंदिर जो बड़े, आपकी भूमिका उसमें क्या है? सही है, जिन मंदिरों पर पूर्व से अगर हमारे शिलालेख हैं, पूर्व से हमारे लेख मिलते हैं या हमारा शास्त्र संबद्ध विधानें मिलती हैं, तो ये जरूरी है कि उनको उन मंदिरों को छोड़ देना चाहिए। हम किसी पर अपना दबाव नहीं बनाते कि ये चीज़ हमारी है, हम उसको पहले परखते हैं कि इसमें ये चीज़ है कि नहीं। जैसे एक माँ होती है ना, तो जब वो चाय बनाती है तो थोड़ी चाय को चक्कर देख लेती है कि इसमें शक्कर है कि नहीं। उसी तरह मंदिर के लिए कहा जाता है कि ये हमारा है कि नहीं है, या कोई स्थान हमारा है कि नहीं, उसको पहले चेक करा जाता है, देखा जाता है, जैसे आज के समय में ज्ञानवापी को देखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें एक मूल है, तो वो जो है हमारा वो हमको मिल जाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्ते। महाराज जी, मैं सौरभ जोशी हूँ, ANI न्यूज़ एजेंसी से। श्री शिवाय, एक सवाल है, चुनावी माहौल है, बहुत सारी कथाएँ आपकी मध्य प्रदेश में हुई है, क्या लग रहा है जनमानस की, क्योंकि अधिकांश व्यासपीठ से धार्मिक गुरु लोग किसी न किसी राजनीति की तरफ, झुकाव की तरफ देखते हैं, तो आप क्या समीकरण निकल रहा है इन 5 राज्यों के चुनाव, विशेषकर जहां से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाएं लगी हुई है, वहां से आप संबंध रखते हैं? देखिए, ये तो जनमानस के ऊपर है, जनता जनार्दन है, स्वयं जगन्नाथ का स्वरूप है, और जो वो निर्णय करेगी वो गलत नहीं करेगी। जनता जनार्दन कोई भी निर्णय करती है, या संसार में रहने वाला मनुष्य जो निर्णय करता है वो गलत नहीं करता, तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। एक कथाकार का कार्य है कथा करना, वो किसी राजनीतिक पहलू से कथा कभी नहीं करता, ना कोई पार्टी से करता है, ना कोई राजनीतिक पहलू से करता है। उसका मूल उद्देश्य रहता है कि किसी ना किसी रूप में लोग हमारे संस्कृति को, हमारी सभ्यताओं को, हमारे संस्कारों को जानें, तो वही एक कथाकार का क्रम है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, किसकी सरकार बन रही है या कौन आ रहा है, ये तो बाबा की मर्जी है, बाबा जिसकी सरकार बना दे, शिव कृपा जिस पर हो जाए। महाराज एक सवाल है, मेरा नाम कृष्णा अवस्थी है, मैं डीडी न्यूज़ नागपुर नगर में पहली बार शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री मोहन मते जी आमदार जी, जो कि सनातन धर्म के प्रति हमेशा जागृत रहे हैं, और आज भी जो शिव महापुराण की कथा का जो आयोजन रखा है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु रखा है, केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं, संपूर्ण भारत के उत्थान के लिए और कल्याण के लिए रखा गया है। आप सभी सोशल मीडिया पत्रकार बंधु मीडिया से जुड़े हुए, आप लोगों ने इस कथा को जनमानस तक, सबके हृदय तक पहुँचाई है, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, जो इस पवित्र भूमि पर आप लोग रहकर इस संपूर्ण कथा को जनमानस तक भेजे हैं। श्री शिवाय नमस्ते। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप एक एक करके पोस्ट करें, आप अपना परिचय भी दीजिए। मैं योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी से हूं। श्री शिवाय नमस्ते। कल आपने अपने प्रवचन में कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़ सकता है, तो क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि शस्त्र उठाने की बात आप कर रहे हैं? शस्त्र हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं, चाहे आप किसी भी देवता का स्मरण करेंगे, प्रत्येक देवता के हाथ में अगर शास्त्र है तो शस्त्र भी है। मूलतः बेटियों के लिए, मूलतः स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए स्वयं का बल होना, हमने व्यक्ति को ये भी कहा है, देवी के माध्यम से इसकी प्रेरणा दी है कि स्वयं के लिए, आपको आत्मरक्षा के लिए समय आने पर शस्त्र उठाना जरूरी पड़ सकता है, क्योंकि आज जो छोटी छोटी बेटियों के साथ में या स्त्रियों के साथ में जो कृत्य हो रहा है वो श्रेष्ठ नहीं है। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्कार महाराज जी, मुझे, मैं रूपा पंडित, ये बताइए कि एक लोटा जल सभी समस्या का हल, तो इसके पीछे का सार क्या है? देखिए, भगवान राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं, सबने अपना अपना मत दिया, पर भगवान राम जी से जब कहा गया कि अगर शिव की आराधना कर अपन लंका पर चढ़ाई करते हैं तो समुद्र मार्ग जरूर देगा, अर्थात एक लोटा जल चढ़ाकर अपन वहाँ से निकलते हैं तो मार्ग जरूर मिलेगा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, पर एक भी रानी से संतान का सुख नहीं था। तब श्री गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि आप अगर भगवान कृष्ण का स्मरण, शिव जी का स्मरण करते हैं तो जरूर संतान की प्राप्ति हो। तब 177,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, वो केवल शिव तत्व से, चाहे राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, स्वयं दत्त हों, आदिकादिक हों, सारे देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं, उसका सुख अवश्य मिलता है, ये हमारे शिव पुराण भी वर्णन करते हैं। आप होने वाले वहाँ
पिछले कुछ चुनाव में जो चित्र दिखता था, अब इस चुनाव में सब लोग हिंदुत्व की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे। आपने भी एक कथा की सिमरिया बालाजी के पास, कमलनाथ जी ने उसका आयोजन किया था, तो पूरा चुनाव जो है वो हिंदुत्व सनातन पर केंद्रित हो रहा है। आपका क्या निरीक्षण है और इस सब का फायदा किसे मिलेगा, ऐसा क्या लगता है? जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है उसको फायदा मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मूल है हमारा सनातन धर्म बचना, हमारी बेटियों के लिए रक्षा होना, और एक साधारण सा व्यक्ति जो छोटे से छोटा स्वरूप का है उसको भी एक उत्थान की ओर जाना। तो मूल ये नहीं है कि कौन पार्टी बैठेगी, मूल ये है कि हमारा सनातन धर्म किसके हाथ में बच सकता है और किस रूप में सुरक्षित रह सकता है। तो जो भी इस सनातन धर्म की ध्वजा को आगे लेकर चलेगा, पूरा मध्य प्रदेश क्या पूरा राष्ट्र उसके साथ चलेगा। श्री शिवानमस्तु। इसी से जुड़ा हुआ है कि सनातन और हिंदू, हिंदुत्व की बात है तो हिंदू राष्ट्र की भी आपने भी अपनी कई बार अपने व्यासपीठ से हिंदू राष्ट्र की बात की है, कई धर्म गुरुओं ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की है, तो क्या लग रहा है क्यों अचानक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सामने आ गई है? देखिए, हमने आज तक अपनी व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, हमारा भारत है, जहाँ एक दूसरे के प्रति दर्द उठता है, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रहता है, आदर का भाव रहता है, सत्कार का भाव रहता है, वो केवल एक भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता ही दे सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम, ये तो हिंदू राष्ट्र पूर्व से ही है, जहाँ पर मंदिरों में घंटियों की गुंजायमान होती है, जहाँ सनातन धर्म की नित्य चर्चा होती है, रामचरित मानस हो, महाभारत हो, शिवपुराण हो, जहाँ नित्य चलती है, संतों का लेख होता है, तो ये तो हिंदू राष्ट्र पूर्व से ही है। बस ये है कि समय की अवस्था में बच्चों को अपने सनातन धर्म की ओर जोड़ना है, तो ये बात कही जाती है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमारे बच्चे कहीं इधर उधर भटके ना, उसको एकाग्र करने के लिए। जैसे कभी कभी माता पिता भी कह देते हैं कि हम तुमको ये देंगे तो उससे तुम्हारा भाव इसमें जागृत हो जाए, तो उसी तरह से हमारे सनातन धर्म के बच्चे हमारे साथ केंद्रित हो। श्री शिवानंद गुरु जी, आपको प्रणाम मेरा। गुरु जी आओ आओ आओ। गुरु जी बहुत अच्छी बात है, हमने अभी भी कहा, भैया ने प्रश्न किया था तो हमने वही बोला है कि जो सनातन धर्म की ध्वजा लेकर चलेगा पूरा राष्ट्र उसके साथ चलेगा। अब उसमें सनातन धर्म की ध्वजा लेकर अगर मोदी जी चल रहे हैं या कोई चल रहा है तो पूरा राष्ट्र उनके साथ चल रहा है। जो सनातन धर्म से पीछे हट गया या अन्य धर्म की ओर जागृत हो जाता है या उसका आकर्षण वहाँ हो जाता है, तो फिर हमारे सनातनी भी कहीं ना कहीं निर्णय देने के लिए आतुर हो जाते हैं। गुरु जी, मेरा नाम सुदर्शन बागड़े, अभी आपने बोला है कि नेटवर्क टेंशन चल रहा है, आप ये बताइएगा कि आप बड़े लोगों से क्यों नहीं? देखिए क्या रीज़न, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा नहीं है हम नहीं मिलते। 7 दिन की अगर कथा रहती है तो पीछे के 3 दिन हम मिलते हैं, और अगर 5 दिन की कथा रहती है तो पीछे के 2 दिन मिलते हैं, जैसे कल और आज। तो जैसे ही भाव बोले कि हमको मिलना है, हमने कहा बिल्कुल आप आइए, ज़रूर मिलना होगा। और बड़े और छोटे से मतलब नहीं है, व्यासपीठ से हम तो हमेशा कहते आए हैं कि शिव सबका है, शंकर सबका है, जैसे हमारे मोहन भाव सबके हैं ऐसे ही शंकर भी सबका है। तो वो एक आनंद का विषय है कि भाई ये नहीं है कि हम बड़े लोगों से नहीं मिलते या किसी से मिलना नहीं होता, बस ये जरूर है कि भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। थोड़ी माला जाप वगैरह आप पूछेंगे मोहन भाव के, हम लोग रुके हैं तो ये जितनी देर भी अगर हमारे कक्ष में कोई दर्शन करने भी आएगा तो उतनी देर हम माला करते हुए ही मिलेंगे। समय जब सारी दुनिया महादेव से मिलना चाहती है तो हम क्यों ना महादेव का भजन करें, तो वो भाव रखते हैं कि भगवान की भक्ति में जितना लगा रहे उतना सुख है। बाकी मैं कमल शर्मा जी, श्री सनातन को लेकर बहुत ज़्यादा बयानबाजी हो रही है और कई जगह कई से विरोध हो रहा है, उसको लेकर आपका क्या बोलना? देखिए इसको किस तरह से देख रहे हैं कि दो आपसी कंट्री में जब युद्ध जनरल स्थिति है तो उसमें कुछ समाज का एक हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, ऐसे मैसेज घुमाए जा रहे हैं, मतलब हम समझे नहीं। जो अभी जो शुरू है इसराइल और पैलेस्टाइन में ध्रुवीकरण हुआ है विश्व का, एक उनके सर उनका कहना है कि पूरा विश्व दो गुटों में बट गया है, ध्रुवीकरण कर दिया गया है, दो समुदायों में बट गया है। कौन कौन से समुदाय में? मुस्लिम वर्सेस अदर्स। अच्छा, इस युद्ध से ऐसा नहीं है। देखिए तो वहाँ जो युद्ध हो रहा है उसमें भी जो प्राण छोड़ रहे हैं उसमें भी देखा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदू मर रहा है कि मुसलमान मर रहा है। मूलतः ये लोगों की सोच है कि वो हमारे को बांट रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं। पर हमारे यहाँ भारत की भूमि में तो ये क्रम नहीं है कि कोई किसी को बांटे। सनातन धर्म भी हमारा ये नहीं सिखाता कि हम किसी का
कोई अपशब्द कहें या गाली दें, किसी को ताना दें, किसी को थप्पड़ मारे, हमारा सनातन धर्म नहीं कहता। तो हमारे यहाँ ये बटना बड़ा मुश्किल है, या हम सोचें इसका कि बंटवारा इस चीज़ से बांट रहे हैं तो गलत। एक बड़े पैमाने पे धर्मांतरण कहा जाता है, विश्व हिंदू परिषद हो या संघ हो, परिवार हो, कहता है कि पूरे भारतवर्ष में काफ़ी ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है। आपने कहा कि पहले से ही भारत हिंदू राष्ट्र था, तो अचानक क्या ऐसी कमियां आ गई कि लोग हिंदू धर्म छोड़ के धर्मांतरण हो रहे हैं? नहीं, हिंदू से लगकर मेरा एक प्रश्न, मैं स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज चैनल। कई हिंदू रक्षक है या फिर हिंदू कार्यकर्ता है जिनकी जान भी चली जाती है लव जिहाद धर्मांतरण या फिर गोहत्या को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, लेकिन व्यासपीठ से जिस तरीके से आप लोगों का दायित्व बनता है उस तरीके से नहीं होता है। यहाँ तक कि कथा जिहाद के नाम से भी हमने सीरीज चलाई है, अल्लाहू अकबर के व्यासपीठ पर से जो है वो पंडित जी के मुख से सुनाई देते हैं। ऐसे में इन दोनों बातों को आप कैसे लेते हैं, क्योंकि कथा मंच से भी ये सब आना चाहिए या फिर गोरक्षकों को ये बचाने के लिए या फिर इस सबको समन्वित करने के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, दोनों के ही प्रश्न अच्छे हैं। धर्मांतरण कभी भी जब भी हुआ है कुछ लोभ और लालच से हुआ। हमारे जो साधारण आदिवासी क्षेत्र में लोग रहे हुए हैं उनको थोड़ा सा लोभ देकर लोग अपने धर्म की ओर ले जाते हैं, और लोभ दिया धर्म की ओर लेकर चले गए। बाद में जब उस धर्म में पहुंचते हैं और उनको जब तकलीफें होती हैं, जैसे एक बेटा अगर गलत मार्ग पर चले जाता है और पिता उसको समझा कर वापिस लाता है, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो वापिस उसको लेकर आ गया तो उसमें गलत चीज़ कर दी। नहीं, अपने बेटे को लाना गलत नहीं है, अगर वो गलत मार्ग पर गया है तो उसको लाना गलत नहीं है। पर आज धर्मांतरण का जो क्रम है, जो लोग हमारे सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से लोगों को ले जाकर दूसरे धर्म में जोड़ते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, फिर वापस हमारे ही धर्म में आ जाते हैं, उसमें अगर हमारा भाई जाकर उनको समझाने का प्रयास कर रहा है और वो वापस आ रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। दूसरा, दीदी ने एक प्रश्न किया कि व्यासपीठ से अगर ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, हमारी व्यासपीठ या आज के समय की व्यासपीठ ऐसा संबोधन नहीं करती है, पर कहीं किसी रूप में अगर कोई बोला हो तो उसकी माइंड, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, और ऐसा नहीं है कि हम लोग व्यासपीठ से धर्मांतरण को रोकने का प्रयास नहीं करते या हम गौरक्षा की बात नहीं करते। प्रयास यही रहता है कि किसी ना किसी रूप में गौरक्षा भी हो और धर्मांतरण जो हो रहा है उसको भी रोका जाए। ये प्रत्येक व्यासपीठ का एक क्रम रहता है। आज अगर कोई कथा हो रही है, आज आमदार श्री मोहन मते जी अगर कथा करवा रहे हैं, तो उनका लक्ष्य यही है कि सनातन धर्म जागृत हो, जो कथा में आए हैं उस कुछ लेकर अपने जीवन में यहाँ से जाएं, जिससे हमारे इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके। प्रश्न ये है जी, सर, हिंसा जो है हमारे देश में काफी बड़ी है पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में, और हिंसा की बात करें मणिपुर से लेकर और कई हिस्सों में हो रही है। और दूसरा, आध्यात्मिक इतने लोग आप लोग काम कर रहे हैं, जबकि वासुदेवन से लेकर श्री श्री रविशंकर से लेकर अलग अलग पंथ हर धर्म में, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, आम आदमी, हम रोड पे भी जाते हैं, लोग झगड़ा करते हैं, रोड रेज होती है, तो कहाँ कम पड़ रहे हैं हम लोग कि हमारे देश के रास्ते से लेके हिंसा तो बड़ी लेवल तक हिंसा कम करने के लिए अध्यात्म कैसे सब लोग आप इकट्ठा आके कैसे देश को सुधार सकते हैं? देखिए, हिंसा होने का मूल कारण है अज्ञानता। व्यक्ति जब अज्ञान होता है ना, तो उसको थोड़ा सा भी अगर कोई कुछ कह देता है ना, तो वो आग बबूला हो जाता है, भड़क जाता है, और भड़कता है तो वो क्रोध करता है, क्रोध कर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मतलब जो हिंसा कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो अज्ञानतावश करवा रहे हैं। हम लोग या कोई कथाकार या कोई संत या साधु या कोई तपस्वी होता है, वो अपने ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे उस हिंसा को रोक सकता है। अगर कोई एकदम क्रोध कर दिया, उसको कोई ने कह दिया कि ये व्यक्ति गलत है, उसकी दृष्टि में ला दिया कि ये गलत है, गलत है, गलत है, तो एक दिन वो गलत हो ही जाता है। उसको समझाकर धीरे से बाहर निकालना, ये हमारी व्यासपीठ या हमारे संत या साधु करते हैं, और वही क्रम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कथा का या संतों की वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता जरूर है, थोड़ा समय लगता है, पर वो रुकता जरूर है। एक और क्वेश्चन, खाली आखिरी क्वेश्चन, देखिए, भगवान हमारी माता रानी दुर्गा भवानी, वेद भी उठाइए तो वेद माता कहलाइए, शस्त्र भी उठाइए तो दुर्गा कहलाइए। स्वयं की रक्षा के लिए जब शुंभ निशुंभ सामने आ गए माता के, और माता से कहते हैं हम दोनों में से एक से विवाह कर ले, तब शुंभ निशुंभ के शब्द सुनकर माँ भवानी
अंदर गुफा में जाती है और भगवान शिव से कहती हैं कि मेरे से विवाह करने के लिए शुंभनी शुमाएं, और कहते हैं कि एक से विवाह कर ले नहीं तो तू मर जाएगी। तब भगवान शंकर कहते हैं मुझे उठकर जाने की जरूरत नहीं है, आप में वो बल है, हर नारी में शिव समाया होता है और हर पुरुष के अंदर एक शक्ति समाई होती है, तो तुझमें वो बल है कि तू अकेली निपट सकती है, एक नारी में वो बल होता है। तो भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि वो बल कैसा है, तो शिव कहते हैं जब नारी शस्त्र उठाती है तो वो वेद माता कहलाती है, और जब वो शस्त्र उठाती है तो दुर्गा कहलाती है। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना कोई बड़ी बात नहीं, आप जाओ उठाओ शस्त्र और सुमन ईश्वर का संहार करो। दो क्वेश्चन जी में विरोध कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि जो माता का दूध पिया हुआ होता है ना, वो कभी हमारी रामायण भागवत गीता या सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठाता। जो डब्बा या थैली का दूध पिया होता है ना, वही उंगली उठा सकता है, बाकी का कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ये तो आपके स्तनपान पर आधारित है कि आप किस भाव में कह रहे हो। कोई रामचरितमानस के पन्ने फाड़ रहा है, कोई गीता जी पे उंगली उठा रहा है, कोई राम पर उंगली उठा रहा है, मतलब सिद्धता है कि आप माता का दूध नहीं पिए हैं, आप डब्बे और थैली का दूध पीकर बड़े हुए हैं। जो माता का दूध पिया हुआ था उसमें संस्कार होते हैं, उसमें संस्कार झलकते हैं, और संस्कार झलकते हैं मतलब रामचरितमानस पढ़ो चाना पढ़ो, उसके प्रति हमारा आदर होता है, उसके प्रति हमारा सम्मान होता है। हम घर से निकलते हैं तो अपने माँ बाप को चरण छू कर जाते हैं, हम घर से निकलते हैं तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख कर जाते हैं, ये हमारे घर का संस्कार है जो हमको झलकता हुआ दिखता है। गुरु जी, मेरा नाम सोनम है, मुझे ये पूछना था कि बड़े लोगों से तो आपसे मिलना है, तो क्या जरिया है कथा के अलावा? हाँ, तो लाखों लोग होते हैं फिर भी किसी की दो दिवस हम बताए ना कि दो दिवस पीछे के 5 दिन कथा है, तो पीछे के 2 दिवस सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हम मिलते हैं। हाँ, कोई भी आएगा उससे मिलना होगा, चाहे बड़े हो चाहे छोटे। गुरुजी, नाम सुदर्शन बागड़े। गुरुजी, ये 10 सालों से सेंटर में मोदी जी का सरकार है, आगे में 2024 में इलेक्शन और लोकसभा के, ये 10 साल में आप कैसे दिखा है? संस्कार से मतलब नहीं है, वो उसमें संस्कार हैं, वो कभी रामचरितमानस पर या अन्य हमारे सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठा सकता। अगर जिसने सही में पिया वो उंगली उठा रहा है रामायण पे या गीता पे, तो उसका क्या? पहले तो सिद्ध करे कि पिया है कि नहीं पिया। कैसे सिद्ध करे? तो फिर वही तो बात है ना, अगर वो उंगली उठा रहा है तो नहीं पिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हमारे कहने से नहीं होगा, मतलब ये सिद्धता है। फिर किस बेस पे उंगली उठा रहा है? कोई भी होगा राम जी के ऊपर उंगली उठा देगा या रामायण पर उंगली उठा देगा? किसका अधिकार? जिसने पिया है उसने रामायण पिया, गीता पे उंगली उठाया। अपनी माँ को डाकन कौन कहेगा? अपनी माँ को डाकन कौन कह सकता है, वो पूछा जाता है। इसका मतलब वो डाकन कह रहा है? नहीं, कह ही रहा है ना, वो रामचरितमानस के अगर पन्ने फाड़ रहा है, सनातन धर्म पर उंगली उठा रहा है, अपशब्द कह रहा है, ताने दे रहा है, या हमारे जो भी मंदिर जा रहे हैं या होली खेल रहे हैं या दिवाली खेल रहे हैं, उसमें उसको कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐब दिख रहा है, तो ये वो सोचे ना कि उसके अंदर ये विकार कैसे आ रहा है, उसके अंदर ये चीजें आ कहाँ से रही है, उसके अंदर ये विकार कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, सनातन धर्म का विरोध कैसे उत्पन्न हो रहा है। परमाणु बम तक की जो है बात होती है, क्या वजह लगता है भविष्य में इसका क्या? देखिए, जो आज एक देश दूसरे देश के प्रति आक्रमण कर रहा है या कहीं ना कहीं किसी रूप में उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसमें नुकसान केवल एक देश का नहीं होता। जब भी कोई युद्ध होता है या कोई आक्रमण होता है, आसपास के कई देशों पर उसका इफेक्ट पड़ता है, उसका अंतर आता है। मूलतः हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा क्या कारण बन गया जो एक देश दूसरे देश पर हावी हो रहा है, उस कारण को भी जानना चाहिए, और उस कारण को जानने के बाद उसका भी निदान निकालना चाहिए कि कहीं ऐसा मौका किसी अन्य देशों पर या किसी और राष्ट्र पर ना आए, तो उसको समझने की ज़रूरत है। केवल ये, अगर दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं तो माता पिता ये विचार करते हैं कि आखिर इसमें झगड़ा किस बात के लिए हुआ, तो उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो हम तो यही मानने से कहेंगे कि अगर दो देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं या लड़ रहे हैं या आक्रमण कर रहे हैं, तो उससे कुछ सीखना भी चाहिए, और उसमें कुछ ऐसा नहीं कि किसी उन्हीं को नुकसान होगा, संपूर्ण देशों को उससे नुकसान होगा, तो उसका स्मरण होना चाहिए। इसमें पूरा विश्व का ध्रुवीकरण हो रहा है, एक दो 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 धड़े में जा रहा है कि राजनीति को धर्म की आवश्यकता है कि धर्म को राजनीति की आवश्यकता है। ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिज्ञ लोग और धर्म
दोनों ना दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। धर्म के जो चोला पहने हुए हैं, जो भगवाधारी है और राजनीति में जाने की इच्छा रखते हैं, और जो राजनीतिक के लोग हैं वो धर्म को आड़ लेके अपनी राजनीति कर रहे, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ये समझौता हुआ है? नहीं, समझौता नहीं है, इसको समझौता नहीं कहेंगे। राजा जनक जी के समय पर उनके गुरु बैठा करते थे उनके पास में, श्री दशरथ जी महाराज के समय पर उनके गुरु बैठते थे। तो राजनीति और धर्म दोनों एक ही पहलू पर चलते हैं। धर्म अपना पथ राजनीतिज्ञों को बताते हैं कि इस मार्ग से चलोगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। धर्म को राजनीति की जरूरत नहीं है, पर राजनीति को धर्म की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि राजनीति को धर्म की इसलिए ज़रूरत है कि जब एक राजनेता अपनी सत्ता पर बैठता है तब उस समय पर उसके डोलने का अहमवश कामवश लोभवश कहीं डोलने का क्रम रहता है, तब उस जगह पर सदगुरु काम आता है और गुरु अपने धर्म की नीति बताकर राजनेता को अपनी सत्ता चलाने का एक क्रम निश्चित करता है। तो ये राजनीति और धर्म दोनों एक पहलू में साथ में चले हैं, पूर्व से चले आए हैं। राजा राम जी, दशरथ जी, जनक जी महाराज के समय से, विक्रमादित्य जी के समय से चले आए हैं, तो वो चल रहा है। नरेंद्रपुरी एक आखिरी बहुत बड़ा ध्यान बावजूद बहुत ध्यानाकर्षण का विषय है कि भगवा पहनकर जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और श्रद्धालुओं को ठगते हैं, पूरे देश भर में ऐसे लोग भभूत लगाकर घूमते हैं और लोगों को ठगते हैं, जिससे सनातन के प्रति जो है एक अलग भाव होता है, तो ऐसों पर कार्रवाई के लिए क्या पहन होना चाहिए? बिल्कुल सत्य, जो आडम्बर कर रहे हैं या किसी ना किसी रूप में आपको आडम्बर में फंसा रहे हैं, गलत मार्ग बता रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, उनके प्रति एक कानून जागृत होना चाहिए जिसके अंतर्गत इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी कड़ी व्यवस्था हो जिससे ये कहीं हमारा सनातनी भाई इनके बहकावे में आकर कहीं अपना परिवार, कहीं अपने बच्चे, कहीं अपना पति पत्नी का आपस में कहीं संबंध बेकार ना हो, तो वो बहुत जरूरी है। थैंक यू। अपना सवाल रह गया है कि अपना देश हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार है वो नहीं थम रहे, इसके पीछे का क्या कारण है? अभी हमने कहा ना, अज्ञानता मूल है। आज के समय में बहुत सारे नियम भी बने हैं, बहुत सारे कानून भी बने हैं, फिर भी महिलाएं अगर कहीं ना कहीं परेशान हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ है, तो उसका कारण अज्ञानता है। हम कहेंगे कि आज के नवयुवक टीमों को, आज के नवयुवक बेटा उनको या आज की बेटा बेटियों को, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मोबाइल का साथ तो ले रहे हैं, पर पढ़ाई का भी साथ ले रहे हैं, पर वो अज्ञानता वश ले रहे हैं, उसको ये नहीं सोच रहे। जैसे कई लोगों के मन में होता है कि भगवान कृष्ण ने माखन चुराया तो हम चोरी कर लें, नहीं, भगवान ने माखन की जगह नवनीत मन को चुराया। भगवान राम अगर कुछ क्रम कर रहे हैं तो उनके मन में आ गया राम जी ने तो ऐसा करा तो हम भी वो क्रम कर लें, तो ये उनकी गलत सोच है, उनके गलत विचार है। पर उसको अगर सही तरीके से अगर देखेंगे, ज्ञानवश देखेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ फल की अनुभूति जरूर होगी। श्री शिवाय, नमस्ते। पंडित जी, नहीं नहीं हो गया जी, नहीं हो गया। संपूर्ण गुरु जी ने जितना समय दिया था उससे ज्यादा हो गया। नागपुर के निवासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।